अब खबरें विस्तार से। बीते 2 अप्रैल को पीपीगंज इलाके में स्वर्ण व्यापारी पर फायर झोंककर जेवरात समेत बाइक लूटने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने पकड़कर इस केस का पर्दाफाश कर लिया है। गिरफ्तार कोयल यादव पीपीगंज के तुर्कवलिया गांव का रहने वाला है। कोयल का साथी मनीष यादव भी पुलिस के शिकंजे में है। 12 अप्रैल को अकटहवा पुल से पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया और जब लूट की बाइक और जेवरात बरामद हो गए तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया। जेल भेजे जाने से पूर्व गोरखपुर पुलिस ने मीडिया के समक्ष इन बदमाशों को पेश किया, जहां बदमाशों ने अपना जुर्म भी कबूल किया। एसएसपी अनंत देव ने बताया कि पकड़े गए दोनों बदमाशों ने पहले ही रेकी कर ली थी और जब दुकानदार जेवरात को अपने ग्राहक के घर पहुंचाने के लिए चला तो पहले से तैयार बदमाशों ने अपने काम को अंजाम दे दिया। दिन दहाड़े लोग हत्याकांड हुआ था जिसमें कि लूट की भी घटना हुई थी। उस घटना में वर्मा जब वो अपना सामान गांव में बेचने के लिए जो कि ट्रेलर से जा रहे थे तब उनको मोटरसाइकिल के साथ और ज्वेलरी के साथ लूट किया गया था तथा उनके साथी एक आफ्ताब को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये भी घायल हुए थे। उस घटना का पर्दाफाश आज किया गया जिसमें कि 2 अभियुक्तों कोयल यादव और मनीष को गिरफ्तार किया गया। इसमें शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गई हुई हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और घटना में लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घटना में प्रयुक्त 9mm पिस्टल, घटना में प्रयुक्त 30-15 बोर का कंट्रीमेड पिस्टल और लूटी गई ज्वेलरी ये सब बरामद की गई है। इस पूरी घटना का पर्दाफाश किया गया है और इसमें जो शेष अभियुक्तगण हैं, इसमें जो इनको शरण देने वाले हैं, जो इनका सहयोग करने वाले हैं, जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले ये इसने अपने चचेरे भाई को गोली मारकर हत्या के प्रयास का मुकदमा था जिसमें कि बेल कराने के बाद से ये कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था जिस संबंध में इस ये वांछित चल रहा लगा था।